प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 17 छोटी सी नदी हमारी नामक कविता में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस कविता के लक्षित अधिगम बिंदुओं पर नज़र डालते हैं कि इस कविता से हमको क्या क्या प्राप्त करना है। बच्चों, इसमें नदियों की विशेषताएं, नदियों से होने वाले लाभ एवं नदी के पानी के विभिन्न उपयोगों को बताने में आप सक्षम होंगे, ये जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। साथ ही नदी को साफ रखने के विभिन्न तरीकों एवं नदी के आसपास के वातावरण के बारे में आप सक्षम होंगे। बच्चों, साथ ही साथ इस कविता को आप उचित हाव भाव के साथ पढ़ने में भी सक्षम होंगे। तो बच्चों, इतनी चीज़ें आपको इससे प्राप्त करनी है या सीखनी है। बच्चों, आगे इस कविता का उद्देश्य क्या है? बच्चों, ये छोटी सी हमारी नदी कविता में रवींद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि नदियों को साफ रखना अर्थात उसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण से बचाना हम सबका कर्तव्य है। उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करना पर्यावरण को सुंदर बनाने जैसा है। इसलिए बच्चों, हमारा आज का इस कविता का यही उद्देश्य है और हमको इन कार्यों को करना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले कविता में आए हुए नवीन शब्द। बच्चों, ये शब्द हैं टेढ़ी मेढ़ी, डोर डंगर, झकाझक, घाम, किचपिच, सियार, ताड़, वन, अमराई, दूजे, ब्राह्मण, टोला, सघन, कछारों, गमछों, सांझ, निपटा, आंचल, चंचल, मांझती, कोलाहल, घिरनी, भंवरी, उत्सव और धार। बच्चों, इन सभी शब्दों को आपको शुद्ध वर्तनी के साथ कम से कम 2 बार पढ़ना है एवं लिखना है। अब पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है घाम। घाम का अर्थ होता है बच्चों धूप। ढोर डंगर का मतलब होता है पशु। दूजे का अर्थ होता है दूसरे। छा का मतलब होता है बच्चों छाया। टोला समुदाय। कछार बच्चों ये नदी का किनारा। सांझ शाम। सकारे सवेरे या प्रातः। गमछा बच्चों तौलिया। रेती कहते हैं बालू को। दन्नाती का मतलब है तेजी से। अमराई आम का बाग या बगीचा। आषाढ़ बच्चों बरसात का एक महीना। किचपिच किचपिच बच्चों ये किचपिच किचपिच मैना की आवाज। अब कविता में आए संज्ञा शब्द। ये शब्द हैं नदी, बैलगाड़ी, फूल, मैना, सियार, बच्चे, मछली, कपड़े, घर। पाठ में या कविता में आए हुए विलोम शब्द। गर्मी का विलोम शब्द होता है बच्चों सर्दी। छोटी का विलोम शब्द बड़ी। फूल का विलोम शब्द कांटे। रात का विलोम शब्द होगा दिन और ऊंचे का होगा नीचे। अब कविता में दी गई इन बातों के आधार पर
नदी के बारे में बताओ। बच्चों कुछ शीर्षक आपको दिए गए हैं, उनके आधार पर नदी के बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले शब्द है धार। बच्चों धार, नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी होती है। ढालू, नदी के पाट ढालू होते हैं। कीचड़, कभी कभी नदी में कीचड़ होता है। किनारे, नदी के किनारों पर पेड़ होते हैं। बरसात, बरसात में नदी में पानी भर जाता है। बच्चों ये सभी शब्द नदी से संबंधित हैं। कविता में आए तुकांत शब्द, आइए देखते हैं। धार का पार, चालू का होगा बालू, नाम का घाम, वन का सघन, नहाले का ढाले, रोला का टोला, देती का रेती, उतराती का दन्नाती, टेढ़ी मेढ़ी, नहाले ढाले, कच्चे बच्चे। तो बच्चों ये कविता में आए हुए तुकांत शब्द हैं। कविता में आए हुए कुछ शब्द, उनके हम आपको बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। नदी, नदी का बहुवचन होता है नदियां। बालू का बच्चों बहुवचन बालू ही होता है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का बैलगाड़ियां। बच्चा का बहुवचन बच्चे। वन, अनेक वन। धारा का बहुवचन होता है धाराएं। निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। सघन, यह जंगल बहुत ही सघन है। अगला शब्द टोला, इस टोला के बहुत से लोग नदी के पानी से ही नहाते हैं। पाट, नदी के पाट में खेलने का मजा ही कुछ और ही है। रोला, बरसात के आते ही लोगों ने रोला का जाना शुरू कर दिया। बच्चों यहाँ पर रोला की जगह पर टोला हो गया है, इसे आप रोला पढ़ेंगे। अब आगे है शीर्षक वर्तनी। सही शब्द छांट कर लिखो। बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला आषाढ़, आषाढ़ आषाढ़। टू, कोलहल कोलाहल कोलाहल। थर्ड, सियार सियार सियार। फोर, बालू बाल बालो। बच्चों आप देख रहे होंगे, पहले में पहला आषाढ़, दूसरे में सही शब्द है कोलाहल, थर्ड में अंतिम शब्द सियार, फोर में पहला शब्द बालू। ये वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द हैं। आगे बच्चों नदियों पर पांच वाक्य लिखिए। आपने पाठ को पढ़ा समझा, और अब आपको नदियों पर पांच वाक्य लिखने। नदी के पानी से खेतों में सिंचाई होती है। नदियों से पीने का पानी मिलता है। नदियां वर्षा करने में सहायक हैं। नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। नदियां परिवहन के काम आती हैं। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको पांच वाक्य सरल से सरल करके आपको बताया है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ वाक्य आगे भी लिख सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।